नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश वेदर पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। दोस्तों, भारत के पहाड़ी राज्यों पर नया पश्चिमी विक्षोभ आया हुआ है। उसके कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर आंधी तेज हवाओं के साथ जो है बारिश देखने को मिली, और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर भी आज बादल छाए हुए हैं और आज भी बारिश होने के आसार है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर हालांकि दोपहर के बाद जो है बादल छटना शुरू हो गए थे, लेकिन आज रात्रि में फिर से जो है बारिश होने की संभावना जो है वो लगातार बनी हुई है। और कल की अगर बात करें 1 अप्रैल की, तो 1 अप्रैल में जो उत्तर प्रदेश है उसके तराई वाले भागों पर ही बारिश होने के आसार है। कुछ भाग पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी इसमें शामिल होंगे। दक्षिणी भाग जो है उत्तर प्रदेश के, वहाँ पर मौसम साफ रहेगा। लेकिन नया पश्चिम विक्षोभ जो है दोस्तों, एक और तीन हम कह सकते हैं कि 1 अप्रैल में भारत के पहाड़ी राज्यों पर पहुंचने वाला है। 2 अप्रैल से ही भारत के पहाड़ी राज्यों पर उसका असर देखने को मिलेगा। 3 और 4 अप्रैल के दौरान फिर से उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बादल छाएंगे और बारिश होने के आसार जो हैं वे हमें नजर आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि 1 अप्रैल में किस तरह का उत्तर प्रदेश राज्य का मौसम रहेगा और क्या क्या वेदर सिस्टम फिर बने हुए हैं, और जो नया पश्चिम विक्षोभ आएगा उसके कारण किस प्रकार फिर से उत्तर प्रदेश राज्य पर बारिश होने के आसार हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे हैं, फिलहाल भी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों पर यहां पर जो है बादल छाए हुए हैं। कुछ इलाकों पर देखिए ये आगे बढ़ रहे हैं बादल, और ये पश्चिम विक्षोभ है दोस्तों, ये भारत के पहाड़ी राज्यों पर है। इसके कारण सर्कुलेशन राजस्थान के भागों पर बना हुआ है। अब जैसे जैसे दोस्तों ये आगे बढ़ रहा है, तो ये सर्कुलेशन आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन इसकी जो रफ्तार है वो काफ़ी कम है। तो ये उत्तरी राजस्थान और दक्षिणी पंजाब के भागों पर ही है। पहले संभावना ये थी कि ये आगे बढ़कर हरियाणा या दिल्ली के पास पहुंच जाएगा, लेकिन अब फिलहाल के अपडेटों के अनुसार ऐसा नहीं लग रहा कि यह ज़्यादा आगे बढ़ पाएगा, ये यहीं रहेगा। तो इसके कारण क्या होगा कि बारिश जो होगी उसमें परिवर्तन हो गया है, यानी कि बदलाव हो गया है। इससे यहाँ थोड़ा आगे तक एक ट्रफ भी बनी हुई है इस प्रकार। तो इसके कारण देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई भागों पर आज रात्रि में बारिश होने के आसार हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों पर आज बारिश की संभावनाएं हैं। 1 अप्रैल आते आते ये बारिश की संभावनाएं उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों की ओर ऊपर जो है वे शिफ्ट हो जाएंगी। नीचे के भागों पर मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एक और जो है दोस्तों, यहाँ पर नया पश्चिम विक्षोभ है। ये हम कह सकते हैं कि 2 अप्रैल में ही इसका असर भारत के पहाड़ी राज्यों पर दिखना शुरू हो जाएगा। इसके कारण जो है दोस्तों, 3 और 4 अप्रैल के दौरान उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बादल छाएंगे, बारिश होने की संभावनाएं जो है वो बनेंगी। तो आइए देखते हैं कि 1 अप्रैल में किस तरह का मौसम जो है उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, किन किन जिलों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। जैसा कि आप यहाँ पर 1 अप्रैल की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, तो देखिए 1 अप्रैल में उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, तो देखिए सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत से लगाकर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लखीमपुर खीरी और बिजनौर, पीलीभीत, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया और अयोध्या, और यहाँ पर वाराणसी, सोनभद्र, यहाँ पर इस इतने जो ये भाग हैं, इतने भाग यहाँ पर बादल रहेंगे। कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। कल की अगर बात करें, तो देखें भारी बारिश की संभावनाएं बहुत कम है, हल्की या कुछ भागों पर हल्की से मध्यम बारिश के ही आसार हैं। जैसे जैसे इन जिलों से नीचे की तरफ आप आते चले जाएंगे, तो यहाँ पर जो है मौसम धीरे धीरे साफ होने शुरू हो जाएगा, और जो दक्षिणी भाग है यहाँ पर आगरा, मथुरा, कानपुर देहात, यहाँ पर मौसम साफ ही रहेगा। कुछ इलाकों पर हल्के बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं। इस तरह का मौसम उत्तर प्रदेश पर 1 अप्रैल में हमें नज़र आ रहा है, और हवाएँ जो है वे ज़्यादातर जिलों पर सामान्य ही रहेगी, कुछ भागों पर सामान्य से अधिक जो है वो देखने को मिल सकती है। तो ज़्यादा बारिश की संभावना जो है उत्तर प्रदेश पर 1 अप्रैल में नहीं है। आज रात्रि में ही सबसे अधिक बारिश होने के आसार है। आज 31 मार्च है, तो आज सबसे अधिक बारिश होने उत्तर प्रदेश पर होने की आज रात्रि में ही संभावनाएं हैं। आगे की अगर बात करें, तो 2 अप्रैल आते आते उत्तर प्रदेश राज्य का पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा। 3 अप्रैल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बादल छाएंगे, बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। 4 अप्रैल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों पर कई भागों पर यहाँ पर बादल रहेंगे,
बारिश होने की संभावना बनेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश पर जो अगला पश्चिम विक्षोभ आएगा उसके कारण बारिश की संभावना बहुत कम है। कुछ इलाकों पर हल्के बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल के अपडेटों के मुकाबले मुताबिक जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश पर बारिश की संभावना कम है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर अधिक संभावनाएं हमें नजर आ रही है। तो फिलहाल इस तरह का मौसम जो है वो हमें नजर आ रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।